Hey, welcome back guys, Mahesh Singh here and you are watching Clash Craze. So, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा टाउन ऑनलाइन का सबसे मोस्ट रिलायबल अटैक जो है लावा लून्स। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा और करते भी हैं, बट जिसने नहीं सुना वो इस वीडियो को ज़रूर देखे और देखे लावा लून्स मोस्ट रिलायबल अटैक क्यों है। तो गाइज, इसको मोस्ट रिलायबल इसलिए कहा गया बिकॉज इसमें चांसेस ऑफ फेलियर्स बहुत कम होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो मैं आपको इसकी आर्मी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि लावा लून्स आने से पहले कौन से दो मोस्ट अटैक यूज़ होते थे। गाइज, लावा लून्स आने से पहले सबसे ज़्यादा जो अटैक यूज़ होते थे टाउन ऑनलाइन में वॉर्स में वो थे वल्क्स अटैक एंड हॉक्स अटैक, जो था जो हम गोलम के साथ वल्क्स यूज़ करते हैं एंड हॉक्स के साथ वल्क्स यूज़ करते हैं, उसको गोवल्क्स और गो हो बोलते हैं। सो गाइज, जब से लावा लून्स आया तब से इसने इन दोनों अटैक्स को ऐसे काउंटर किया कि अब कोई गोवल्स और गोहो करता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन गेम लावा लून्स ही प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको इसकी आर्मी दिखाता हूँ। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 हाउंड्स की, लावा हाउंड्स की। आप ले जा सकते हैं इसमें 20 या 22 बलून्स। और गाइज, मैं हमेशा लावा लून्स में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मीनन्स लेके जाएं, 5 या 10 मीनन्स आप ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि कई बार केसेस होते हैं आप पूरा डिफेंस क्लियर कर देते हैं बट आप जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं एंड 3 मिनट का जो टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है, वो हो जाती है पूरी और आपका अटैक फेल हो जाता है। सो गाइज, हमेशा लेके जाएँ एंड इसमें आप 3 रेज एंड 3 हेस्ट ले जा सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है गाइज, आप रेज बढ़ा भी सकते हैं, हेस्ट भी कम कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 3 रेज 3 हेस्ट लेके जाएँ। ओके गाइज, ये रही आर्मी रेडी है, तो हमने इसको सेव कर लिया। सो गाइज, मैं आपको लावा लून्स का अटैक दिखाता हूँ, एक कैसे लावा लून्स करते हैं। और गाइज, हमारी जो वॉर है क्लैन वॉर, उसमें हम मोस्ट ऑफ द प्लेयर सारे लावा लून्स ही प्रेफर करते हैं और वॉर्स में लावा लून्स ही करते हैं। तो गाइज देखिए, 3-स्टार अटैक, मैं आपको इसका रीप्ले दिखाता हूँ। सो अटैक हो गया यहाँ स्टार्ट। सो गाइज, पहले तो आपको ये देखना है कि सीसी किस साइड से पास पड़ता है, यानी कि आप किस तरफ से सीसी के ट्रूप जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, आपको ज़्यादा बलून छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 छोड़ सकते हैं आप। ये देखिए, एक डिफेंस टूटा और ये बलून से अंदर गए और आ गया, सीसी बाहर आ गया है। और ये हमने किंग छोड़ा अपना और ये आर्चर क्वीन। सो गाइज, जैसे ही ड्रैगन मरेगा हम अपना अटैक स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज देखिए, मैं आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये पॉइजन लेकर गया, बट इनने उन्हें मारा क्यों नहीं पॉइजन यहाँ पे। सो गाइज, अगर आपके किंग क्वीन 10 लेवल से ऊपर के हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज वो ड्रैगन को क्वीन ईजिली मार देती है। आप इसके बजाय आर्चर क्वीन के ऊपर मार सकते हैं पॉइजन, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है बलून्स को और वो बलून्स को मारती है, वही आपका अटैक ख़राब करती है। तो आप उस पर मारेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइज देखिए, ड्रैगन मर गया और ये सीसी क्लियर हो गया है। सो गाइज देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि एयर स्वीपर कहाँ पर है, उसकी पोजीशन। गाइज हमेशा ध्यान रखना है कि एयर स्वीपर के सामने आपको बलून्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो पुश करता रहेगा बलून्स को और आपका अटैक ख़राब कर देगा, बिकॉज पुश करते वक्त वो बलून्स को साइड में भेज सकता है, तो सारे बलून साइड में ही घूमते रह जाएंगे, बीच में एयर डिफेंस को तोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आपका अटैक ख़राब हो जाएगा। देखिए गाइज, यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मैंने बिल्कुल उसके साइड से छोड़े हैं बलून्स, ये देखिए गाइज। और आपको ध्यान रखना है कि बलून्स आप ऐसे फैला कर छोड़ें, और जैसे ही आप बलून्स छोड़ दें, आपको 2 लावा हाउंड्स इस साइड एंड 2 लावा हाउंड्स इस साइड, ताकि वो उधर के एयर डिफेंस कवर करे एंड ये इधर के कवर करे। इस तरीके से छोड़ने गाइस, देख लीजिए। एंड जैसे ही आप बेस के अंदर पहुंचे, आपको रेज दे देना है। सो देखो गाइस, 2 एयर डिफेंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं एंड बाकी 2 बचते हैं। और गाइस ध्यान रखना है, जैसे ही आपके बलून स्लो हो, आपको उनको फिर से रेस स्पेल देना है, ताकि वो जल्दी जल्दी क्लियर करे डिफेंस, बिकॉज विजा टावर बहुत ही जल्दी बलून्स को मार देता है। सो गाइस, ये हो गया हमारा आधा डिफेंस क्लियर एंड ये जो 2 एयर डिफेंस बचे थे ये भी आ गए हैं।
सो देखा गाइस ये लास्ट एयर डिफेंस भी आ गया है एंड ये हमारा आर्चर टावर भी क्लियर। और गाइस ध्यान रखना है जब आपका पूरा डिफेंस क्लियर हो जाए आपको मिनियंस बलून्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में छोड़ना है, बिकॉज बलून्स इस साइड है तो वो यहाँ का सारा डिफेंस क्लियर करेंगे एंड मिनियंस यहाँ का सारा क्लियर करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिनियंस छोड़ना है बिल्कुल ऑपोजिट। सो गाइस देखिए यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो गया है। और ये हो गए हमारे 3 स्टार। सो देखा गाइस आपने कितना इजी है लावा बलून्स करना। आपको बस अपने बलून्स की एंड हाउंड्स की पोजीशन को डिसाइड करना है एयर सुपर के अकॉर्डिंग एंड उनको छोड़ देना है, और आपको देखना है कि आपके बलून सही जा रहे हैं नहीं, और जैसे ही बलून लो उनको आपको रेस पेल देना है ताकि वो जल्दी जल्दी डिफेंस क्लियर कर दें। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी रोज नई नई वीडियोस लाते रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो आपको, अगर जैसे कोई बेस या फिर कोई अटैक के लिए वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।